नमस्कार, जोहार, आदाब। संथाल परगना के क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। आप जानेंगे संथाल परगना के महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। खबर गोड्डा से है। पुर्तगाल में दमखम दिखाने के लिए गोड्डा में तैयार हो रहे हैं फुटसल खिलाड़ी। आगामी 7 जून से 18 जून 2021 तक यूरोप के लिस्टन सिटी पुर्तगाल में प्रस्तावित 7वीं तशीपा वर्ल्ड कप में गोड्डा सहित प्रदेश भर के होनहार खिलाड़ी अपना दमखम आजमाएंगे। यह निर्णय विगत 27 से 29 दिसंबर तक मानसरोवर के जेजे वैली होटल में फेडरेशन की वार्षिक आम सभा में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता इंडियन सुपर फुटसल फेडरेशन की वरीय उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने दी। प्रेमी ने ही की थी गर्भवती लड़की की गला दबाकर हत्या। जिले के महागामा थाना अंतर्गत सरभंगा के झगरुआ गांव स्थित बिहार के पास एक जनवरी की रात लड़की की हत्या का खुलासा पुलिस ने सोमवार को किया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कांड के मुख्य हत्यारोपित सह लड़की के प्रेमी कमरा गामा के मुन्ना कुंवर उर्फ मनीष कुंवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वजनों ने पहले ही लड़की के प्रेमी पर हत्या का आरोप लगाया था और पुलिस को इसकी जानकारी भी दी थी। सोमवार को पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश ने कांड का खुलासा किया। कहा कि प्रेम जाल में फंसाकर आरोपित ने लड़की का शारीरिक शोषण किया। जब वह लड़की गर्भवती हो गई तो पीड़िता ने शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इसके बाद आरोपित मुन्ना ने प्रेमिका को रास्ते से हटा दिया। कोयला चोरी में 3 धराए बाइक जब्त। मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से कोयला ढुलाई करने वाले 3 धंधेबाजों को ललबटिया थाना की पुलिस ने गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया। विदित हो कि अवैध रूप से कोयले के उठाव को रोकने के लिए पिछले एक सप्ताह से लगातार ईसीएल सिक्योरिटी ललमटिया पुलिस एवं सीआईएसएफ के जवानों के द्वारा संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा था। सोमवार को छापेमारी अभियान के दौरान जब छापेमारी दल बड़ा भोड़ा ओबीर डम की ओर से पहुंचा, देखा कि 3 व्यक्ति मोटरसाइकिल से कोयला लेकर भाग रहे थे। पर देवघर से 14 साइबर अपराधी गिरफ्तार। बड़ी संख्या में सामान बरामद। झारखंड के देवघर जिला में पुलिस ने विशेष अभियान में 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर मोबाइल समेत बड़ी संख्या में अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा को मिली सूचना के आधार पर जिले के मार्गो मुंडा कैरो सोनार ठारी एवं मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर कुल 14 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से 22 मोबाइल फोन, 30 सिम कार्ड, 16 पासबुक, 21 एटीएम कार्ड, 10 चेकबुक, 2 लैपटॉप, 4 माइक्रो पीओएस मशीन, 1 कार और 1 मोटरसाइकिल के अलावा 52,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। गिरफ्तार अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। लुईस ब्रेल की शब्दों की माला को किया सलाम। देवघर रेड क्रॉस सोसाइटी अपने कर्मों की बदौलत पहचान बनाने में यकीन रखती है। रेड क्रॉस की टीम सामाजिक सरोकार की परिकल्पना को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। सरस कुंज परिसर में सोमवार को लुईस ब्रेल की जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्नेह के दृष्टिबाधित बच्चों ने अपने शब्दों से लुईस ब्रेल को जीवन का वरदान बताया। भाषण प्रतियोगिता में अव्वल आए सिकंदर ने लुई के जीवन यात्रा की चर्चा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि उनकी बदौलत ही हम सब की जिंदगी संवर पाई है। डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सचिव के बयान पर किया विरोध, काला बिल्ला लगाकर किया काम। राज्य के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन सदन कुलकर्णी की ओर से डॉक्टरों पर की गई टिप्पणी के खिलाफ राज्य के चिकित्सकों का आक्रोश है। इसी को लेकर सोमवार को जिले के सदर अस्पताल सहित अन्य संस्थानों के लगभग 200 से अधिक चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। आओ मिलकर बनाएं शहर को स्वच्छ। नए साल का जश्न मनाने में लोग भूल गए कि शहर उनका है और इसे साफ सुथरा रखना उनका भी दायित्व है। जश्न में लोग कुछ इस कदर मदहोश हो गए कि उन्होंने जरा भी इलम नहीं रहा कि उनके द्वारा फैलाए गए कचरे का क्या असर पड़ेगा। नंदन पहाड़ पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। यहाँ लोगों ने उमंग और उत्साह के साथ नए वर्ष के आगमन की खुशी पर पिकनिक मनाई। हर तरफ बिखरा हुआ जूठा थर्मोल कोल से बने प्लेट, ग्लास, खाने पीने की बची हुई चीजें, सिगरेट, पान मसाला। जश्न इस कदर मनाया गया कि इसकी गवाही दे रहा था ये नंदन पहाड़।
रामगढ़ में 25,004 बच्चों को पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक। 17 जनवरी से प्रारंभ हो रहे 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की सफलता के लिए सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रखंड कार्यक्रम प्रबंधक अक्षय आनंद ने टीका कर्मियों के साथ बैठक कर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया। अक्षय आनंद ने बताया कि रामगढ़ प्रखंड के 0 से लेकर 5 साल तक के 25,004 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 17 जनवरी को बूथ में एवं 18 तथा 19 जनवरी को घर घर जाकर टीका कर्मी बच्चों को दवा पिलाएंगे। इसके लिए रामगढ़ प्रखंड में 177 बूथ बनाया गया है, जिसमें रामगढ़ एवं नोनीहाट में 2 ट्रांजिट बूथ भी शामिल है। दुमका स्टेशन पर तिरंगा नहीं देख भर के DRM। दुमका रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आसनसोल के डिविजनल के DRM सुमित सरकार सोमवार को दुमका पहुंचे। उन्होंने स्टेशन परिसर को जायजा लिया और उपस्थित अधिकारियों को कई निर्देश दिए। इसी क्रम में DRM दुमका स्टेशन में तिरंगा नहीं फहराए जाने पर भड़क गए। DRM सुमित सरकार ने मौके पर ही अधिकारियों को स्टेशन मास्टर अमरेश कुमार और रेलवे के अभियंता पर विभागीय कार्रवाई करने का निर्देश दिया। DRM ने स्टेशन मास्टर से कहा कि तुम इससे बात नहीं करोगे, मजाक बना रखा है। पर पाकुड़ से 18 साल के युवक की निर्मम तरीके से हुई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र के दमदमा गांव के कब्रिस्तान के बगल में एक 18 वर्षीय युवक रेंटू से की धारदार हत्या से गलारेत कर हत्या किए जाने की मामला सामने आया है। मृतक दमदमा लाल टोला गांव के निवासी सफी उद्दीन शेख का पुत्र था। घटना की जानकारी महेशपुर पुलिस को मिलते ही SDPO नवदीत हेमराम शव दलबल घटना स्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। लॉकडाउन में कश्मीर गए मजदूरों से हुई वादा खिलाफी। लॉकडाउन के दौरान मजदूरी करने कश्मीर गए लिट्टी पड़ाके 30 मजदूरों ने लौटकर मजदूरी के लिए ले जाने वाली कंपनी के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। ये मजदूर सोमवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी से मिलने DC कार्यालय पहुंचे। मजदूरों ने राशन खर्च और ट्रेन किराया के भुगतान की मांग की है। इस मौके पर मजदूर मुकेश हांसदा, बहादुर मड़ैया, राजू हेमरम ने बताया कि 13 जून 2020 को उन्हें 16-18 हजार रुपए प्रति महीने की मजदूरी देने के नाम पर बांदीपुर ले गया गया था। वहां जाने के बाद कश्मीर में काम के स्वरूप सही वेतन नहीं दिया गया। काम के एवज में 14 हजार रुपए प्रति माह मजदूरी भुगतान किया जाता था। मुखिया सहित 21 के खिलाफ रंगदारी का केस। ठेकेदार शुभनंदन भगत ने शहर कोल पंचायत की मुखिया चित्रलेखा गोंड, उनके पुत्र अभिजीत गोंड, अभिषेक गोंड व विवेक गोंड सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ नगर थाने में सोमवार को रंगदारी मांगने का मामला दर्ज करा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। खबर जामताड़ा से, अनुसूचित जाति की छात्रवृत्ति में वृद्धि सराहनीय कदम। सोमवार को स्थानीय सरहेल डी स्थित पार्टी कार्यालय में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ध्रुव कुमार की उपस्थिति में अनुसूचित जाति मोर्चा जिला कमेटी के बैनर तले प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस उपाध्यक्ष ने कहा कि भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति पर दी गई अभूतपूर्व वृद्धि सराहनीय है। दुष्कर्म कांड के विरोध में मुख्यमंत्री का पुतला हुआ दहन। पिछले दिन रांची समीप और मांझी में हुई 20 वर्षीय युवती के साथ संदिग्ध दुष्कर्म तथा हत्या के विरोध में भाजीमो जिला इकाई ने सोमवार को स्थानीय इंदिरा गांधी चौक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया। महिलाओं की सुरक्षा पर लापरवाही का विरोध भी किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।